Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit. आ जाइए सब लोग, आ जाइए जल्दी से. समीर जी कह रहे हैं हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग समीर, आ जाइए सब लोग जल्दी से, आ जाइए. आ जाइए गाइस, स्टार्ट करते हैं देन क्लास. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 के लिए. एसएससी सीजीएल 2020 के लिए जो पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को लेकर. समीर जी, बजट क्लास भी होगी बहुत जल्दी. स्टेप बाय स्टेप हम रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे. आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो पॉलिटी की तरफ बढ़ते हैं. बजट भी पढ़ेंगे, बट आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर. कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार किस साल में अमेंड किया गया था, आंसर कीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार कब अमेंड किया गया था, 61 में, 60 में, 51 में या फिर 54 में, आंसर कीजिए जल्दी से. आंसर द क्वेश्चन गाइस, आंसर कीजिए क्वेश्चन को जल्दी से. आंसर द क्वेश्चन गाइस, आंसर कीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार कब अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार कब अमेंड किया गया. तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ. संविधान को पहली बार कब अमेंड किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार अमेंड किया गया था 1951 में. 1951 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया गया था. और बेसिकली क्या हुआ था इसके अंदर, जो भी फ्रीडम की स्पीच, बेसिकली द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, वैलिडेशन ऑफ जमींदारी, अबोलिशन लॉ, तो इन सबको लेकर पहली बार ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया गया था 1951 में. तो यहां पर एक पॉइंट ये बनता है कि अब तक कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, अब तक कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि अब तक कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है. तो पहली बार हुआ था 1951 में, जेएल नेहरू जी ने ये बिल लेके गए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो पहली बार 1951 के अंदर हुआ था. तो आप बताइए कि अब तक कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं. चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर कीजिएगा आप लोग. इनमें से किसको बोला जाता है पॉपुलर चैंबर, पॉपुलर चैंबर इनमें से किसको बोला जाता है, क्या वो राज्यसभा है, क्या वो ग्राम सभा है, क्या वो लोकसभा है या फिर स्टेट असेंबली है. इनमें से किसको हम बोलते हैं पॉपुलर चैंबर, पॉपुलर चैंबर. समीर जी पूछ रहे हैं इज इट हेल्पफुल इन अवार्ड. समीर, बेसिकली पॉलिटी को लेकर नाबार्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, दैट इज फॉर द स्टेट एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, रेलवेज, ऐसे एग्जाम्स में पॉलिटी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो नाबार्ड एग्जाम में पॉलिटी को लेकर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. पॉपुलर चैंबर, समीर जी कह रहे हैं 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अभी तक. 103 नहीं समीर, इट्स 104. 103 नहीं, 104 हो चुकी हैं. 104, 104. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, पॉपुलर चैंबर. तो पॉपुलर चैंबर
बोला जाता है किसको? समीर जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, लोकसभा को। लोकसभा को हम बोलते हैं क्या? पॉपुलर चैम्बर, पॉपुलर चैम्बर। हाउस ऑफ द पीपल्स भी बोला जाता है इसको, एंड हमारा लोअर हाउस भी है ये लोकसभा। देखिए इंडिया में दो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों सदनों में क्या होते हैं? एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। लोकसभा हमारा लोअर हाउस है क्योंकि लोकसभा के जो एमपीज होते हैं, लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, क्योंकि इसके जो एमपीज होते हैं उनको पीपल्स डायरेक्टली अपॉइंट कर इलेक्ट करते हैं, और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं इनको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स इलेक्ट करती हैं, तो इसलिए उसको हाउस ऑफ द स्टेट्स भी बोला जाता है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी बोला जाता है, अपर हाउस है, और इसको हाउस ऑफ द पीपल पॉपुलर चैम्बर बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं इसका जो एजेंडा है, आइडिया है, हमने किस देश से लिया है, किस कंट्री से हमने ये बोरो किया है, बताइए जल्दी से। क्या वो ब्रिटेन है, क्या वो यूएसए है, क्या वो आयरलैंड है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है? राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव का जो एजेंडा है, जो आइडिया है, हमने किस कंट्री से बोरो किया है? आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले आंसर किया खोबा जी ने, यूएसए, यूएसए। समीर जी का भी कहना है यूएसए, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। संतोष जी भी कह रहे हैं यूएसए। तो गाइस यहां पर आप कुछ थोड़ा सा रोंग ले रहे हैं इसको। राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उसका जो एजेंडा है, तो ये मेथड हमने बोरो किया है आयरलैंड से, आयरलैंड से इंडिया ने ये एजेंडा लिया है। राष्ट्रपति 14th प्रेसिडेंट अभी काम कर रहे हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है इंडिया में गजेटेड ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने की। गैजेटेड ऑफिशियल्स को इंडिया में अपॉइंट करता है कौन? राष्ट्रपति, और भारत के 14th प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी के चलते हुए भी कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि नहीं सस्पेंड होते हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। एमरजेंसी, जब कंट्री में कोई एमरजेंसी होती है, गवर्नमेंट एमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है, ऐसी सिचुएशन में भी ये दो आर्टिकल्स रद्द नहीं होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं, तो ये कौन से आर्टिकल्स हैं बताइए स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। एमजेएम का आंसर आया है एम, और एमजेएम कह रही है बी 2021। खोबा का भी कहना है 2021। तो यहां पर लोगों के आंसर आ रहे हैं 2021, तो 2021 बिल्कुल सही आंसर है ये 2021। ये दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, 20 और 21। यहां पर मैं बात करूं 20, जो आर्टिकल 20 है ये बात करता है द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ ए पर्सन, तो जो ह्यूमन के राइट्स होते हैं उनकी बात करता है, और आर्टिकल 20 जो बात करता है राइट ऑफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये लिबर्टी की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और वो प्रोटेक्शन की बात करता है, तो इन दोनों को नहीं हटाया जा सकता इमरजेंसी के टाइम पे भी। तो किसी को कोई डाउट इसको लेकर, आर्टिकल 2021 में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? क्या ये शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, क्या ये माइनॉरिटीज को लेकर है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, चाइल्ड मैरिजेस को लेकर है, ये किससे संबंधित है शारदा एक्ट? शारदा एक्ट क्या ये शेड्यूल ट्राइब्स माइनॉरिटीज को लेकर है? वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में काफी प्रमोट किया जाता है,
माइनॉरिटी राइट्स की भी काफी बात होती है इंडिया के अंदर, जैसे कई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एक कोटा दिया गया। हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की थी, 104 हो चुकी है अभी तक मैंने बताया था, तो जो 103 अमेंडमेंट हुई थी ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो गवर्नमेंट ने 10% कोटा दिया है ये उसी को लेकर थी। तो यहां पर शारदा एक्ट की बात कर रहे हैं। खोबा जी कह रहे हैं नो आइडिया, तो खोबा जी अगर कोई आइडिया नहीं है तो हम स्किप कर सकते हैं, बट रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, वेरी गुड। एमजे कह रहे हैं सी चाइल्ड मैरिज, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जो शारदा एक्ट है ये चाइल्ड मैरिज से ही संबंधित है। शारदा एक्ट 1929 में आया था, चाइल्ड मैरिज रजिस्टर्ड एक्ट था ये। तो जो भी बेसिकली पहले क्या हुआ, जो गर्ल्स की मैरिज है वो 14 इयर्स और बॉयज की 18 इयर्स फिक्स कर दी गई, बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया, गर्ल्स के लिए 18 इयर्स और बॉयज के लिए 21 इयर्स। तो दैट इज रिलेटेड टू द चाइल्ड मैरिज शारदा एक्ट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following is not a member of National Development Council? National Development Council का member इनमें से कौन नहीं है? Prime Minister, नीति आयोग के members, Chief Minister of States या फिर भारत के राष्ट्रपति, इनमें से कौन National Development Council का member नहीं है? सूरज जी कह रहे हैं child marriage। सूरज जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब next question का answer दीजिए जल्दी से। National Development Council का member इनमें से कौन नहीं है? प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर नीति आयोग के सांसद मेंबर्स, या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स? तो सबसे पहले आंसर दिया है खोबा जी ने, डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सूरज भी कह रहे हैं डी, तेजस्वी जी का कहना है डी, सब लोग कह रहे हैं डी डी डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर, राष्ट्रपति इसके मेंबर नहीं होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर, ये क्यों बनाएगी, इसकी क्या जरूरत थी। देखिए इसको शॉर्ट में एनडीसी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इंडिया में एक बॉडी काम करती थी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। इंडिया में पहले 5 ईयर प्लान्स चलते थे, 5 वर्षीय योजनाएं, उन 5 ईयर प्लान्स को इंडिया में जो रेगुलेट करता था वो होता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की मैं बात करूं तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, ये एक 5 ईयर प्लान्स चूज करता था, 5 साल की योजनाएं और डेवलपमेंट के लिए काम करता था। 5 साल के लिए हम एक टारगेट चूज करते थे, उसके ऊपर काम करते थे। बेसिकली इट इज एडवाइजरी बॉडी बट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टेचुअरी। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, नॉन स्टेचुअरी था। और इसी के चलते हुए 1952 में क्या हुआ, 1952 में अगस्त 1952 में गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बनाई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। किस लिए? ताकि बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन काम करता है इसको कभी किसी की रेकमेंडेशंस की, एडवाइस की जरूरत पड़े तो यहाँ पर इसके एडवाइस के लिए जो बॉडी काम करेगी वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। बट यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किसकी रेकमेंडेशन पे बना था, किसकी रेकमेंडेशन पे बना था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो ये थी केसी नियोगी कमेटी। केसी नियोगी कमेटी की रेकमेंडेशन पे आया था क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर जो मेंबर होते हैं वो होते हैं जितने भी प्लानिंग कमीशन या फिर आज नीति आयोग बन गया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। देखिए पहले प्लानिंग कमीशन था, 2015 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2014 में आई थी मोदी सरकार, बट प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस करके बना दिया नीति आयोग, क्योंकि मोदी सरकार को लगता था प्लानिंग कमीशन अपना काम सही ढंग से नहीं करता, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। तो अब नीति आयोग है, नीति आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टेचुअरी है, और एनडीसी भी नॉन स्टेचुअरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, बट ये बना था केसी नियोगी कमेटी की रेकमेंडेशन पे। इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ प्रेजेंटली नीति आयोग, जितने भी नीति आयोग के मेंबर होंगे वो एनडीसी के भी मेंबर है, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, या फिर यूटीस के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये सब मेंबर है किसके, एनडीसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, जल्दी से आंसर कीजिए, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आंसर तो क्वेश्चन फर्स्ट, मंजीत जी कह रहे हैं नमस्ते, नमस्ते मंजीत जी, आंसर कीजिए जल्दी से। Which among the following was described by B.R. Ambedkar? B.R. Ambedkar जी ने किस statement को दर्जा दिया था, किसका heart and soul of the Constitution of India?
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हार्ट एंड साउल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? हार्ट एंड साउल, यहां पर बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं यहां पर, जो मैंने क्वेश्चन रेस किया था, सीई ऑफ नीति आयोग, तो एमजेएम कह रहे हैं राजीव, द खोबा कह रहे हैं प्रीवियसली अरविंद पनागड़िया। खोबा जी यहां पर मैं एक स्टेटमेंट आपकी करेक्ट कर रहा हूं, अरविंद पनागड़िया वॉज द वाइस चेयरमैन नॉट सीईओ। अरविंद पनागड़िया जो थे ये वाइस चेयरमैन थे, अरविंद पनागड़िया ये पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, और इनको रिप्लेस किया था राजीव कुमार जी ने, जो कि अभी प्रेजेंट काम कर रहे हैं, डॉक्टर राजीव कुमार, ये वाइस चेयरमैन है। मेरा क्वेश्चन था सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो सीईओ कौन है? सीईओ है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट आप लोगों का? तो हम यहां पे थे क्या, बी आर अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया, हर्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये किससे रिलेटेड है? सब लोग कह रहे हैं बी बी बी, मंजीत जी कह रहे हैं सी, आर्टिकल 32, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, दैट्स अ राइट आंसर। तो अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्टेटमेंट में दिया था, क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या बोला था, द हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका कहना था कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फायदा नहीं है कि अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो इसको कभी अमेंड किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इक्वल जस्टिस की बात करता है, इक्वल जस्टिस की बात करता है, इनमें से कौन सा आर्टिकल, आंसर कीजिए जल्दी से, इक्वल जस्टिस, बराबर का न्याय एंड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड की बात करता है, इनमें से कौन सा आर्टिकल, क्या वो आर्टिकल 39 है, क्या वो आर्टिकल 39A है, क्या वो आर्टिकल 43 है, क्या वो आर्टिकल 43A है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आंसर का क्वेश्चन। आकांक्षा जी कह रही है बी, सबसे पहले आंसर दिया एमजेएम ने 39A, आंसर द क्वेश्चन फास्ट। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, आर्टिकल 39A इज द राइट आंसर। तो बट हम बाकी के आर्टिकल्स की भी बात करेंगे यहां पर, आर्टिकल 39 जो है वो तो था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो आर्टिकल 39 किससे रिलेटेड है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू फॉलोड बाय स्टेट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ पॉलिसीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो इनको स्टेट जो फॉलो करता है, दैट इज अंडर द आर्टिकल 39। आर्टिकल 43 है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स के, ये जो वेजेस होते हैं उसको लेकर, और आर्टिकल 43A जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को लेकर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे बाकी के आर्टिकल्स भी। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, यहां पे हमने एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, यहां पे हमने चार क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि हमने चार आर्टिकल पढ़े एक ही स्टेटमेंट में। तो क्वेश्चंस हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं रखेंगे, बट हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब भारत का संविधान बना तो इनिशियली इसके अंदर कितने आर्टिकल्स थे, बताइए जल्दी से, जब संविधान बना तो तब इसके अंदर कितने आर्टिकल्स थे, आंसर का क्वेश्चन, जब संविधान बना इसके अंदर कितने आर्टिकल्स थे, खोबा जी कह रहे हैं विल बी बैक गोइंग टू मार्केट, आंसर का क्वेश्चन गाइस, संविधान में कितने आर्टिकल हैं, इनिशियली कितने थे, तो यहां पर आंसर आ रहे हैं हमारे पास, सबसे पहले आंसर दिया एमजेएम ने 395, वेरी गुड, सब लोग कह रहे हैं ए 395, जी हाँ आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, संविधान में इनिशियली 395 ही आर्टिकल्स थे, बट कमेंट सेक्शन में ये बताइए अभी कितने आर्टिकल्स हैं, अभी कितने आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के अंदर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंटली कंटेन हाउ मेनी आर्टिकल्स, अभी कितने आर्टिकल्स हैं, आंसर कीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, अभी कितने आर्टिकल्स हैं,
सब लोग आंसर कर रहे हैं 395 जी हाँ आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बट ये बताइए अभी कितने आर्टिकल्स हैं, अभी कितने आर्टिकल्स हैं, अभी कितने आर्टिकल्स हैं बताइए जल्दी से। आकांक्षा जी कह रही है सर काइंडली वेट फॉर 1.5 मिनट्स आफ्टर आंसर। आकांक्षा जी अगर मैं वेट करने लगा तो यहां पर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग आंसर करते रहिए, मैं अपनी कंटिन्यू स्पीड में चलता रहूंगा, तो आप लोग आंसर करते रहिए, आपको जो भी डाउट है आप पूछिएगा, मैं उसका आंसर तभी कर दूंगा, आपको जो भी डाउट है पूछ सकते हो, बट यहाँ पर टाइम की बहुत कमी है क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो हमें चलते जाना है। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 448 आर्टिकल्स हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बिल विच कंटेन ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद द इम्पोजिशन रिपील रिमिशन ऑल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। इस बिल को क्या बोला जाता है जिसमें सिर्फ टैक्सेस का अमेंडमेंट होता है, इम्पोजिशन रिपील रिमिशन और ऑल्टरेशन होता है, रेगुलेशन होता है टैक्सेस का, इस बिल को क्या बोला जाता है बताइए जल्दी से, इस बिल को हम क्या बोलते हैं आंसर कीजिए जल्दी से। जल्दी आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए एसएससी को लेकर सीजीएल के एग्जाम्स को लेकर, सीजीएल का एग्जाम आने वाला है अभी बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, तो इसको लेकर हमने एक फ्री टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया हुआ है, फ्री टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जस्ट हमारे पोर्टल में जाकर रजिस्टर करना है खुद को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको जस्ट खुद को रजिस्टर करना है और वहां पर आप सीधा चले जाएंगे फ्री टेस्ट के तरफ, फ्री टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस कीजिए वहां पर जाकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, पोर्टल में जाकर रजिस्टर कीजिए और वहां पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए आंसर आ रहे हैं हमारे पास डी ए सी ए, सब मिक्सअप आंसर कर रहे हैं, स्किप। तो यहां पर जितने भी आंसर आए हैं अभी तक कोई भी आंसर सही नहीं आया हमारे पास, तो मैं बता देता हूं इसका आंसर, इसका आंसर है मनी बिल। तो देखिए जहां पर बात टैक्सेस की होती है या फिर फंड में से पैसा निकलवाने की होती है तो ये बात होती है मनी बिल की, जब भी बात होती है किसकी टैक्सेस की होती है तो टैक्सेस में जो भी चेंज होते हैं, जैसे अभी बजट आया तो बजट में ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे टैक्सेस में अमेंडमेंट होता है, इम्पोजिशन होता है, तो इसको लेकर जब भी बात होती है तो बात मनी बिल की होती है, मनी बिल, या फिर जब भी हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना होता है तब भी जब हम बात करते हैं तो मनी बिल की ही करते हैं। तो ये मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर बात होती है इसकी, आर्टिकल 1101 दैट इज फॉर द इम्पोजिशन अमेंडमेंट्स ऑफ द टैक्सेस, आर्टिकल 110 मनी बिल को लेकर जब भी टैक्सेस की बात होती है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो बजट आता है हमारा, बजट संविधान में किस आर्टिकल के अंदर है, बजट संविधान में किस आर्टिकल के अंदर है ये बताइए जल्दी से मुझे। एमजे पूछ रहे हैं हाउ कैन इट बी अ मनी बिल। देखिए एमजे जब भी बात टैक्सेस में अमेंडमेंट की होती है, अब टैक्सेस की बात करूं तो टैक्सेस क्या होते हैं, सरकार की इनकम होती है, रेवेन्यू होती है, और उन्हीं रेवेन्यू से सरकार क्या करती है अपने खर्चे चलाती है, और ये सारे के सारे जो रेवेन्यूज होते हैं ये आते कहाँ पे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, और सारे के सारे एक्सपेंडिचर भी कहाँ से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। तो बेसिकली बजट क्या होता है, बजट भी एक मनी बिल होता है, तो उसी तरह से जितने भी टैक्सेस में अमेंडमेंट होती है ये भी मनी बिल ही होता है। तो बजट की मैं बात करूं तो एमजे का कहना है 112 तो देखिए बिल्कुल सही है आपका आंसर, आर्टिकल 112, बट यहां पर मैं एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, बजट नाम का कोई भी शब्द हमारे संविधान में यूज नहीं होता है, हमारे संविधान में इसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर्टिकल 112 के अंदर, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बजट बोल देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following articles of the Constitution of India is related to the Uniform Civil Code? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो सिविल कोड से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है
वो सिविल कोड से रिलेटेड है, सिविल कोड से रिलेटेड है। MJ का आंसर आया 44, वेरी गुड MJ, लगता है पूरी तैयारी है। चलिए समीर जी का भी आंसर आया 44, शिवा जी कह रहे हैं 45, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो MJ का आंसर सबसे पहले बिल्कुल सही था, आर्टिकल 44 बिल्कुल सही आंसर है। इट इज मेंशन्ड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 44 कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजंस ऑफ सिटीजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कहता है क्या आर्टिकल 44। तो सब लोगों ने आंसर किया आर्टिकल 44। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेसिडेंट कैन मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 84, आर्टिकल 105, आर्टिकल 352, आर्टिकल 225। आंसर कीजिए जल्दी से। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत करता है राष्ट्रपति? आंसर द क्वेश्चन। एमजे कहते हैं 352, खोबा का भी कहना है 352। तो यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, सब लोग सही आंसर कर रहे हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का, आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट इमरजेंसी का। की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सॉवरेन। यहां पर असली अधिकार, असली राजा कौन होता है इंडिया के अंदर संविधान के द्वारा, संविधान के अकॉर्डिंगली? क्या वो भारत की जनता है, इंडियन पीपल्स, या फिर भारत के प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर ऑल इलेक्टेड लीडर्स ऑफ इंडिया, भारत में जो लीडर्स चुने जाते हैं? तो क्या कहता है संविधान, बताइए जल्दी से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है ऐसा इंडिया में होता नहीं है, तो बताइए जल्दी से क्या कहता है भारतीय संविधान, अल्टीमेट सॉवरेन। तो खोबा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है एक, इंडियन पीपल। सब लोग कह रहे हैं इंडियन पीपल, भारत की जनता। तो देखिए आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, इंडियन पीपल ही भारत में अल्टीमेट सॉवरेन है। बट क्या आपको लगता है इंडिया में ऐसा होता है? इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअल में फॉलो किया जाता है? क्या यहां के जनता को एक्चुअल में अधिकार है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, बताइए जल्दी से। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, क्या वो इंदिरा गांधी थी, या वो श्रीमावो बंदारा नायके है, या फिर गोल्डा बियर है, या फिर एलिजाबेथ डॉमिटेन है? ज्योत्सना जी कह रही है हेलो सर, हेलो ज्योत्सना। समीर जी कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यस वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले आंसर आया खोबा जी का, खोबा जी कहते हैं बी। संतोष जी कह रहे हैं ए, आकांक्षा जी कह रही है सी। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर है बी, श्रीमावो बंदरनायके। ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, 1960 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद तीन बार ये टोटल प्रधानमंत्री रही है, 60 से 65, 70 से 77, 94 से 2000 तक। तो ये पहली, दुनिया की पहली फीमेल
प्राइम मिनिस्टर थी, इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, बट दुनिया की पहले थी श्रीमावो बंदारा नाइके जो कि श्रीलंका से है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री अभी इंडिया आए हुए हैं, तो उनका नाम आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनेशन स्टेटस, तो ये बेसिकली किसके किस प्लान के अंदर आया था डोमिनेशन स्टेटस? क्या ये कैबिनेट मिशन प्लान था, या फिर क्रिप्स मिशन के अंदर आया, या फिर माउंटबेटन प्लान था, या फिर साइमन कमीशन, या फिर साइमन कमीशन? डोमिनेशन स्टेटस, डोमिनेशन स्टेटस, डोमिनेशन स्टेटस। एमजे कह रहे हैं राजा पक्षा। देखिए एमजे जी, समीर जी, राजा पक्षा तो है, आई एग्री, बट श्रीलंका के अंदर क्या है कि जो प्रेसिडेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है दोनों ही राजा पक्षा हैं, बट दोनों का नाम अलग है, तो आप मुझे पूरा नाम बताइए, क्योंकि राजा पक्षा प्रेसिडेंट भी है, राजा पक्षा प्राइम मिनिस्टर भी है। तो डोमिनेशन स्टेटस यहां पर आंसर आ रहा है डोमिनेशन स्टेटस को लेकर। समीर जी कह रहे हैं ए, कुमार सर्वेश्वरी कह रहे हैं सी, एमजे का कहना है बी। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्रिप्स मिशन इज द राइट आंसर, बी। 1942 में सर स्टैडफोर्ड क्रिप्स ने ड्राफ्ट डिक्लेरेशन दिया था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दी थी अपनी, तो दैट्स वाज अ डोमिनेशन स्टेटस को लेकर। एमजे जी कह रहे हैं महिंदा, जी हाँ बिल्कुल सही है आंसर आपका, महिंदा राजापक्षा श्रीलंका के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, ये अभी इंडिया भी आए हुए हैं, महिंदा राजापक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the first Chief Election Commissioner of India? Who was the first Chief Election Commissioner of India? भारत के पहले Chief Election Commissioner कौन थे? क्या वो सुकुमार सेन थे, या TN शेषन, या फिर SP सेन वर्मा, या फिर KVK सुंदरम? बताइए जल्दी से, भारत के पहले Chief Election Commissioner, Chief Election Commissioner। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जल्दी से आंसर कीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, खोबा, कुमार सर्वेश, एमजे, ये लोग कह रहे हैं ए ए ए, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर, सुकुमार सेन ही भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। थोड़ा सा प्रेजेंट स्टेटस की बात करते हैं, प्रेजेंट स्टेटस की बात हम कर लेते हैं, तो देखिए सुकुमार सेन तो थे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो बात यहां पर आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया की वो बॉडी है जो इंडिया में सभी तरह के इलेक्शंस को कंडक्ट करने का काम करती है, इसके पास जो पावर है, ये जो वर्क करती है, दैट इज अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये काम करता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, 25th of January 1950 को बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो भारत के जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका नाम है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। इलेक्शन कमीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज दिल्ली में चुनाव भी है, आज दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और दो इलेक्शन कमिश्नर, तो इलेक्शन कमिश्नर कौन है? एक तो है अशोक लवासा, दूसरे हैं सुशील चंद्र। अशोक लवासा एंड सुशील चंद्र, ये हैं प्रेजेंट हमारे इलेक्शन कमिश्नर, एंड सुनील अरोड़ा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 25th of January को बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया में एक डे भी होता है, नेशनल वोटर्स डे, वोटर्स डे, ये कब होता है? 25 जनवरी को, 25th of January को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है वोटर्स डे। एनी डाउट किसी को इसमें, कोई भी डाउट? कुमार सर्वेश कह रहे हैं केजरीवाल जीतेगा, तो कुमार जी देखते हैं क्या बनता है, केजरीवाल जीतेगा या फिर मनोज तिवारी जीतेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिलहाल तो हमें जीतना है, हमें एसएससी से अपनी जंग जीतनी है पहले तो।
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए. आर्टिकल 19 छह फ्रीडम्स की बात करता है, इनमें से कौन सा वो नहीं है. आर्टिकल 19 सिक्स फ्रीडम्स की बात करता है, इनमें से कौन सा वो नहीं है. इनमें से कौन सा नहीं है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म्स एसोसिएशन और यूनियंस, रिसाइड और सेटल एनी पार्ट ऑफ योर स्टेट ओनली. आंसर कीजिए जल्दी से. आर्टिकल 19 किसकी बात करता है यहां पर, इनमें से कौन सा फ्रीडम नहीं है जो आर्टिकल 19 के अंदर है. तो खोबा का आंसर आया, एमजी का आंसर आया, ये दोनों बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं. आई थिंक दे आर इंटेलिजेंट. प्रीति जी कह रही है डी, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ योर स्टेट ओनली. तो यहां पर आंसर आ रहे हैं, यहां पर डी 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 सबके आंसर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर. तो यहां पर छह हमारे पास फ्रीडम्स होती हैं आर्टिकल 19 के अंदर, तो सारे की बात ही कर लेते हैं. छह के छह फ्रीडम्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये है हमारे पास. उसके बाद पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स के साथ रहना है हमें, फॉर्म्स एसोसिएशन और यूनियन सब कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं कोई भी कंपनी. और उसके बाद रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहां पर स्टेट की बात हुई थी, एक्चुअल में क्या आएगा टेरिटरी. एंड नेक्स्ट इज मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता. एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप इंडिया में रहते हुए कुछ भी करिए, आपको यहां पर कोई भी नहीं रोकेगा, यह आपका फ्रीडम है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर. भारत में हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, एक गवर्नर होगा, यह कौन सा आर्टिकल स्टेट करता है, कौन सा आर्टिकल कहता है, बताइए जल्दी से. गवर्नर ऑफ द स्टेट, आंसर द क्वेश्चन गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली गवर्नर. तो एमजे कह रहे हैं 153, प्रीति भी कह रही है डी. तो आंसर आने शुरू हो गए हैं. खोबा जी कह रहे हैं नो आइडिया, तो खोबा जी कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे आंसर किए हैं, तो एक क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं चलेगा. तो यहां पर आंसर आने शुरू हो गए, तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ. आर्टिकल 153 इज द राइट आंसर. दो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, उसको अपॉइंट करने का जो काम है वो आर्टिकल 153 के अंदर होता है. भारत के जो राष्ट्रपति हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर इन द स्टेट, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं स्टेट्स के राज्यपाल को. और उसके बाद स्टेट्स के जो स्टेट्स असेंबली के जो मेंबर होते हैं या फिर जो सीएम होता है स्टेट का, उसको वोट दिलवाने का काम गवर्नर का होता है. तो आर्टिकल 151, जैसे बाकी आर्टिकल्स की भी बात करेंगे हम, आर्टिकल जो 151 है वो हमारे पास वो कैग को लेकर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लेकर है. 152 हमारे पास स्टेट को लेकर है, और 154 हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर्स को लेकर है, गवर्नर्स की पावर्स को लेकर है. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट. अगर भारत के अंदर कोई नया राज्य बनाना हो तो उसका जो फॉर्मेशन है, उसकी जो फॉर्मेशन कैसे होगी, वो किस आर्टिकल के अंदर है, कौन सा आर्टिकल अधिकार देता है नए राज्य को बनाने का, बताइए जल्दी से. फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट. बताइए जल्दी से. तो आंसर आने शुरू हो गए हैं. ए ए आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 यहां पर आंसर आ रहा है हमारे पास. कोई और जल्दी बताइए. इवनिंग 7 PM के बाद कीजिए लाइव, ज्यादा ऑनलाइन आएंगे. तो समीर जी बात यह है कि जिसने पढ़ना है वो आ जाएगा, वो अभी भी आ जाएगा.
एमजे कह रहे हैं आर्टिकल 1 सी। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आर्टिकल यहां पर बात होती है किसकी, आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 बात करता है यहां पर नई स्टेट्स की फॉर्मेशन को लेकर, आर्टिकल 3। तो कुमार सर्वेश का आंसर सही है, बाकी सब लोग गलत आंसर कर रहे हैं यहां पर। तो आर्टिकल 3 बात करता है यहां पर न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स को लेकर। देखिए आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरीज की बात करता है, तो उसके बाद आर्टिकल 2 आता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है, बट फॉर्मेशन की बात की थी यहां पर मैंने। फॉर्मेशन को लेकर जो काम करता है वो क्या करता है यहां पर, आर्टिकल 3 करता है। और आर्टिकल 9 किसकी बात करता है, पर्संस एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजंस। चलिए किसी को कोई डाउट इसको लेकर, एनी डाउट? प्रीति जी कह रही है सॉरी डी, कोई बात नहीं प्रीति जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर कीजिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप्स के रिट हैं बताइए जल्दी से, द टाइप्स ऑफ रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एमजे कह रहे हैं आई रोड 3। तो एमजे मे बी आपका आंसर मेरे पास थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से लेट आया होगा, तो कोई बात नहीं आपका आंसर सही था, आई एग्री। चलिए अब बताइए रिट्स कितने तरह की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कितनी रिट्स हैं? तो एमजे फिर से कह रहे हैं 5, 5, 5। प्रीति भी कह रही है ए। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, आर्टिकल 5 सॉरी यहां पर 5 टाइप्स की रिट्स हैं हमारे पास। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है, हैबस कॉर्पस है, मैंडामस है, कंट्री है, प्रोहिबिशन है, क्यो वरंटो है। यहां पर 5 टाइप्स की रिट्स हैं हमारे पास, तो ये है 5 आपके सामने, 5 टाइप्स की रिट्स होती है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। किसी को कोई डाउट? तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसमें से आपको कोई भी डाउट है जो भी आज हमने पढ़ा या फिर जो हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें से आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए। और फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, फॉर द प्रैक्टिस आप हमारे पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री टेस्ट मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल टेस्ट मिलेंगे आपको पोर्टल के अंदर, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टेस्ट मिलने वाले हैं यहाँ पर टीयर वन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि अब की बार एसएससी पार हमें ये एग्जाम क्रैक करना है एनी कंडीशन। तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।